खतरनाक है, खतरनाक। ओम नमः शिवाय। निकल गए भाई पानी से, तो निकल गए हम। बहुत ज्यादा सुंदर है ये तो, वाइट वाइट वॉटरफॉल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं, हम भी एकदम ठीक हैं। हमारी जर्नी लगातार चल रही है। अभी तक मैंने आपको दिखाया, हम पहुंचे थे पहले तो सिसू रुके थे अपनी फर्स्ट नाइट कैंपिंग करने के लिए, फिर वहां से केलांग के होते हुए हम निकले हैं दारचा होते हुए। अब अपनी जर्नी हम बारालाचाला की तरफ लेके चले हैं और सामने जो ये वादियाँ आपको दिख रही हैं पूरी सफ़ेद हो रखी हैं, काफ़ी हद तक बर्फ़ है जो अभी भी जमी हुई है और काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न चल रहा था। तो अब जैसे जैसे हम और अंदर जाते जाएंगे इन पहाड़ों के और हाइट पे जाते जाएंगे तो हमें और ज़्यादा बर्फ़ देखती मिलेगी। तो वो सब मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और साथ साथ दोस्तों, आपको ये सीरीज़, ये वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो अभी स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो ये देखिए आप दोस्तों, जैसे पहाड़ों से बर्फ मेल्ट होकर के आ रही है नीचे, वो बर्फ की बर्फ पूरी जम जा रही है। तो जो ये बर्फ जम जाती है वैसे ही कुछ ग्लेशियर्स काफी कुछ हमें देखने को मिला, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, ज्यादा तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए हमेशा कैमरा ऑन रखना पड़ता था। तो अब वो सब मैं आगे दिखाऊंगी, बट इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस व्लॉग में हम आगे आपको दीपक ताल तक लेके जा रहे हैं। दीपक ताल जो कि बारालाचाला से काफी पीछे है और केलांग होते हुए जब हम ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहली लेक जो देखने को मिलती है वो बारालाचाला से पहले दीपक ताल आती है। तो दीपक ताल का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगी और जो भी जो वाटर क्रॉसिंग्स होंगी हमें रास्ते में मिलेंगी और जो थोड़े बहुत वाटरफॉल्स जैसे हमारे को रास्ते में मिलेंगे अभी, वो सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये सब कुछ दोस्तों बारालाचाला पहुंचने से पहले का है जो कि इस व्लॉग के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आप देखिए, इंजॉय कीजिए इन वादियों को और लाइक कर दीजिए साथ साथ। भाई वाओ, इतना सुंदर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है जो कि चरने के लिए इस पहाड़ पे चढ़ी हुई है। भाई देखो क्या हाल है, ये है ऑफ रोडिंग। ओ भाई खतरनाक है, खतरनाक। ओम नमः शिवाय। निकल गए भाई पानी से, तो निकल गए हम। इतना ज्यादा पानी था, सो क्रॉस कर लिया। ठंडा ठंडा लग रहा है, पाँव में भी टच हुआ मेरे से सारे पानी। हाँ जूते में लगा पूरे में, गीला हो गया आपका सारा। फोटो तो अपना चप्पल सामने है पहननी है। इतना सुंदर है, पानी वहां से आ रहा है और यहाँ कलेक्टेड है। हाँ दीपक ताल, ये हमारे सामने ही दीपक ताल है। इधर देखना प्रिंस, दीपक ताल कितनी सुंदर है, पूरा ग्रीन वाटर। तो दोस्तों, जो ये दीपक ताल है, ये ताल ग्लेशियर के पानी के इकट्ठे होने से बनी है और बिल्कुल फ्रेश वाटर है, ग्लेशियर से आया हुआ ताज़ा पानी है। यहाँ रुक कर के सब फोटो खिंचाते हैं। हम भी थोड़ी देर रुके, हमने जगह का जायज़ा किया और क्योंकि समय कम है, काफ़ी लोकेशन एक्सप्लोर करनी है तो हम चल दिए यहाँ से।
सो दोस्तों, दीपक ताल क्रॉस करने के बाद अब हमारे को काफ़ी लो हाइट मिली। हम बहुत लो हाइट में आ गए हैं काफ़ी सारी माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद। मैंने बीच में रिकॉर्ड नहीं किया था और अब आप देख सकते हैं जो रिवर भागा है वो हमारे साथ चली है। चंद्रा रिवर को हम पीछे छोड़ा है टांडी में और अब भागा रिवर है जो ये हमारे साथ चलने लगी है। और रिवर का पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल दूधिया हो रखा है, दूध के कलर का पानी है एकदम। और देखिए आप माउंटेन्स को, अब धीरे धीरे हम लो हाइट से अपर हाइट में चलेंगे और हाइट को पहुंचते पहुंचते हम फाइनली बारालाचा ला में पहुंच जाएंगे। वहां के दर्शन भी आपको कराएंगे पर इस व्लॉग में आपको थोड़ी वादियां दिखा देते हैं पहले, तो चलिए आप एंजॉय कीजिए। अच्छा, रोहतांग आए थे जब आप 10 साल पहले, तो आपका दिल कर गया था कि मैंने ये एक्सप्लोर करूं। मौसम वैसा होगा ना, तो दोस्तों इनका तो 10 साल से ये इच्छा थी कि हम लद्दाख को एक्सप्लोर करें। इनफैक्ट हर बाइकर्स की ये एक दिल की इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि वो इन पर्वतों को एक्सप्लोर करें। ऐसी ही प्रिंस की भी ये विश थी कि वो लद्दाख की वादियों में जाएं और इस तरह से एक्सप्लोर करें, कैंपिंग करें। तो मैंने भरपूर उनका साथ दिया और इंजॉय खूब किया इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने में। आपको बता दूं कि सिसु में कल रुके थे, वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 की समुद्र तल से उसकी हाइट थी और इस समय हम जहाँ पहुँचे हैं इसकी 12,000 की हाइट हो चुकी है। इस समय हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं लोकेशन को, और सर में थोड़ा थोड़ा हेडेक हमें फील हो रहा है। खुद को एक्लिमेटाइज ना करने की हम ये गलती कर रहे हैं कि इस बिना खुद को हमने अपनी बॉडी को यूज़ टू किए हुए इस वेदर के लिए, और हम इतनी हाइट को एक्सप्लोर करते आगे चले हैं। सब कुछ दिखाएंगे आपको व्लॉग के थ्रू, क्या क्या होगा आगे, कुछ भी जो हम लोग फेस करेंगे, ताकि आपको पता हो ऐसी वादियों में जाना है तो क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन पहाड़ों में आप देख सकते हैं क्या लोगों का लाइफस्टाइल होगा, आप खुद इमेजिन कीजिए। ऐसी वादियों में रहना बहुत मुश्किल है और अपने रहने के लिए अपना रैन बसेरा करना, अपने यूज़ टू अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए जो इनका इनकम सोर्स है यहाँ के लोगों का, जो पुश्तैनी इनका काम है वो भेड़ बकरियाँ पालना ही है। भेड़ों की से जो ऊन निकलती है उस ऊन को ये मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कुछ गलीचे बनाते हैं, कुछ ये मतलब इससे स्वेटर्स के लिए ऊन बनाते हैं। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो लोकल इनका कल्चर था जिसको ये पहले से चलाते आ रहे हैं, बट मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से काफ़ी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। बट जब हम इन पर्वतों पे जाते हैं तो कई जगह हमें ऐसे भेड़ बकरियां देखने को मिलती हैं जो कि अभी भी वहाँ लाइव है, लोग रख रहे हैं इतनी भेड़ों को। बट जब लोगों से हम मिलके बात करते हैं, पहले लोगों मैक्सिमम हर फैमिली में होता था, बट अब लोगों ने रखना कम कर दिया है, उतना नहीं है जितना पहले था। तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में ये डिफरेंस आ रहा है कि पहले लोग कितना ये वाला काम किया करते थे, अब इस साइड का ये काम जो है कि कल अपना गलीचे बनाना, कारपेट्स बनाना, ये चीज़ें थोड़ी हमारे हिमाचल में मुझे कमी लगी लोगों से बात करके। तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाने के लिए पहले आपको लो हाइट में आना पड़ता है, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ानी पड़ती है। तो अब हम बारालाचा ला की तरफ को चले हैं, तो आप देख सकते हैं ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं। हमें भी पूरे पहाड़ को घूम घूम के ऊपर जाना पड़ेगा और अपर हाइट में पहुँचना पड़ेगा। और यहाँ से 21 किलोमीटर है बारालाचा ला, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है इस समय।
है और मैंने सोचा था कि मैं अपना बर्थडे वहीं जाके सेलिब्रेट करूं, तो इस वजह से थोड़ी एक्साइटमेंट भी है हमें ताकि हम जल्दी से वहां पहुंच जाएं, और बर्थडे क्योंकि सेलिब्रेट अभी तक नहीं हुआ है तो उसको वहीं जाके सेलिब्रेट किया जाए, ऐसा कुछ हमने सोच रखा था। और ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा ब्लॉग में आपको पता लगेगा। और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोकेशन है जहाँ पे काफ़ी सारे व्हीकल्स खड़े हैं और आई गेस यहाँ आर्मी के बेस कैंप था। तो अब यहाँ से सामने आपको ये माउंटेन्स देखने को मिल गई हैं, जो पर्वत बिल्कुल बर्फ से घिरे हुए हैं। कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों, बिल्कुल नज़रों में समाने का मन कर रहा था इस नज़ारे को, ये पर्वतों को देखना। अभी तक सिर्फ टीवी में पिक्चर्स में ऐसे देखा था, लाइव अपनी आंखों से इतना नज़दीक से देखना बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी दोस्तों। सबसे पहला माउंटेन है जिसको हमें क्रॉस करना है और ये देख करके काफ़ी खुशी हो रही है। पहली वाटर क्रॉसिंग हमने कर ली है जिसमें काफ़ी पानी हमें सड़क पे मिला था, बाइक निकालना पहले तो डर लग रहा था इतने पानी को क्रॉस करने में, बट वो भी हमने कर लिया है। और नेक्स्ट हमारा टारगेट है अब इस पर्वतीय श्रृंखला की ये वाली माउंटेन जो कि पाराला चला है, इसको क्रॉस करें। तो आप सबको अपने साथ लेके चलते हैं इस पर्वत की ऊंचाइयों को छूने के लिए। चलिए फिर आप सब हमारे साथ इस सफर को एंजॉय कीजिए, साथ साथ लाइक भी कर दीजिए।
कैसे इसमें ऑरेंज ऑरेंज कलर की लाइनें बनी हुई हैं और लोग पैदल उतर रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम मैं गई थी मनाली तक और सेकेंड टाइम ऑब्वियसली आपको नई लोकेशन एक्सप्लोर करने का दिल करता है, तो मनाली से आगे सोलांग वैली को भी एक्सप्लोर किया मैंने सेकेंड टाइम जब हम उस लोकेशन तक पहुंचे थे, और थर्ड टाइम जब पिछले साल हम गए थे तो हमने अप्रॉक्सीमेटली केलांग को एक्सप्लोर किया था और उदयपुर वाली साइड हम एक्सप्लोर करने पहुंचे थे। वो सब मैंने आपको पहले भी बताया है और इस समय आपको दिखा रही हूँ मैं। ऑलरेडी हम इतनी हाइट्स पे पहुंच चुके हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 14,000 फीट की हाइट पे है सी लेवल से, और इतनी सुंदर पहाड़ है ना गाइज, क्या बताऊँ मैं आपको, नज़दीक से देख करके इतने अच्छे लग रहे हैं। पहाड़ों की रौनक ही अलग हैं, आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ अलग रॉक कंस्ट्रक्शन हो रखी है। वो बात अलग है कि ये उजड़े हुए जरूर लग रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है, बट बिना पेड़ पौधे की भी प्रकृति ने एक अलग ही रूप अपना बनाया हुआ है जो कि आपको वीडियो के थ्रू मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अप्रिशिएट आप जरूर कीजिए वीडियो को लाइक करके, और अगर जेन्युइनली अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो कमेंट भी कर दिया कीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है। तो साथ साथ कर दीजिए लाइक भी और कमेंट भी। तो चलिए फिर इसके आगे आपको और दिखाते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी हाइट ऑल्टीट्यूड और बढ़ रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, सर दर्द बढ़ता जा रहा है और एडवेंचर का मजा एक अलग ही रूप ले रहा है। इतनी बर्फ गिरी है आप देख सकते हैं, बारालाचा ला बिल्कुल सामने है। अच्छा व्यू है, जन्मदिन तो मेरा अल्टीमेट ही जा रहा है, ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं। जय हो शिव शंभू। और दोस्तों हवा की आवाज़ आप सुन सकते हैं, कितनी तेज़ हवा चली है, जितनी ज़्यादा हाइट है उतनी ज़्यादा तेज़ हवा चली है। थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं फ़ोन ना हाथ से गिर जाए, बट रिकॉर्डिंग करने का भी एक अलग ही मज़ा आ रहा था, हाथ एकदम ठंडे हो गए हैं बर्फ़ की तरह इतनी ठंडी हवा की वजह से, और इतनी ज़्यादा जो बर्फ़ यहाँ गिरी है, बर्फीली हवाएँ हैं दोस्तों, शब्दों में क्या बयां करूँ। आप वीडियो देखिए, आप खुद इमेजिन कीजिए इतना अच्छा नज़ारा है, और क्या तो यहाँ का फील आ रहा होगा हमें उस समय, मैं आपको शब्दों में बयां करके नहीं बता सकती। आप देख लीजिए वीडियो को, कितना सुंदर नज़ारा है।
एडिटिंग थोड़ी बहुत सीख ली है, तो मैं अपने व्यूवर्स को भी ये नज़ारे दिखा दूँगी। जल्दी तो नहीं आ पाएंगे, थोड़ा लेट ही आएंगे, बट आप सबको डेफिनेटली मैं ये व्यूज शेयर करना पसंद करूँगी और आप लोग भी सो दोस्तों जैसा कि प्रिंस ने बताया, जो पास होता है उसका डेफिनेटली मीनिंग यही होता है, दो बड़ी बड़ी माउंटेन्स के बीच में जब आपको जाने के लिए रास्ता मिलता है तो उसी को पास कहा जाता है। तो दर्रा भी उसी को हिंदी में कहा जाता है, जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है जब हम छोटे होते हैं सोशल साइंस में, और बड़े होकर के भी जब आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब भी आपको ये चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जो कि मैं आपको लाइवली अपनी वीडियो के थ्रू दिखाना चाह रही हूँ। देख के जो चीज़ समझ आती है वो किताबी नॉलेज में इतनी अच्छी समझ नहीं आती, तो हम खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप लोगों को भी एक्सप्लोर करने का पूरा मौका दे रहे हैं हमारी वीडियो के थ्रू, देखने के थ्रू। तो ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, अभी मैंने प्रिंस से भी डिस्कस किया क्योंकि मुझे भी पहला एक्सपीरियंस है इस माउंटेन में आने का, इसको एक्सप्लोर करने का। तो जो सामने पर्वत आपको दिख रहा है, ये पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है, ये बारालाचला को हमारे तक नज़दीक से नज़दीक लेके आने वाली है। इस सड़क के रास्ते हम चले हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, हमारी बाइक पे भी डिफेक्ट आ चुका है, हमारा ओडोमीटर काम करना बंद हो चुका है। ट्रैवलिंग में इतना लंबा चल रही है, हमारी बाइक इतनी गर्म होती है, तो गर्म होते होते अब इसका ऑडोमीटर भी खराब हो गया। ऑडोमीटर बोलते हैं इसको क्या दिख रहा है, ये डिस्टेंस और स्पीड कितना चल रहा है, सेंसर चल रहा है, मेरे को लग रहा है इसको सेंसर खराब हो गया। सुंदरी हम उसमें से गए थे ना पानी में से, तो दोस्तों अगर एडवेंचर करना है तो ये सारे आपको जो हर्डल्स आएंगे वो आपको ओवरकम करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला हमारे को हर्डल आया, हमारा ओडोमीटर खराब हो गया, पहली वाटर क्रॉसिंग का ही ये नतीजा है। तो आगे जाके हमें क्या क्या देखना पड़ेगा आप इमेजिन कीजिए, आपको वीडियोस के थ्रू तो मैं दिखाऊंगी ही, पर आप सोच के देखिए ये चीज़ एक बार। और इसके अलावा अब ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई है, उबासियाँ हम ले रहे हैं, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं ताकि जितनी ऑक्सीजन हो हम भर लें अपने अंदर। पर इन वादियों की सुंदरता देखने के लिए क्या क्या फेस करना पड़ता है, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो उस समय नहीं पता चलते जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब आप इस एडवेंचर पर निकलते हैं दोस्तों ये उसी समय समझ आता है, क्योंकि ये प्रकृति इतनी सुंदर है आपको देखने में वो चीज़ समझ नहीं आएगी, फील करने में ही पता चलता है दोस्तों जब इन पर्वतों को हम एक्सप्लोर करने निकलते हैं। तो अभी आप फील मत कीजिए, आप सिर्फ देख करके लुत्फ उठाइए और इन्जॉय कीजिए इन नज़ारों को और इन पर्वतों को। तो दोस्तों बिल्कुल सामने है बारालाचला, और बारालाचला हम पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया वाटर क्रॉसिंग, साथ साथ आपको दीपक ताल का भी मैंने नज़ारा दिखाया, और अब फाइनली मैं आपको बारालाचला दिखा रही हूँ। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है बट
कोई भी नज़ारा मुझे कट करने का दिल नहीं किया। इतनी सुंदर मदर नेचर है हमारी। मैंने चाहा अपने व्यूअर्स को भी मैं सब कुछ दिखाऊं कि क्या कुछ है इस हमारी प्रकृति ने हमारे लिए बनाया हुआ। ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की लाहौल में, जहां आप इस नज़ारे को एक्सप्लोर करने आ सकते हैं।